हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का आज दे दिया है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पे एक हम लोग का दिया हुआ है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कब होगा। तो ये मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जो है मई के अंत तक आएगा। यहाँ पे कॉपियों का मूल्यांकन को जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। चूँकि आज संडे है, फिर भी आज जो है आप लोग का रिजल्ट सही समय पर आने के लिए इसको जो है वो 23 से ही शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है क्या कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की कॉपियों की जांच रविवार से शुरू होगी। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पे मूल्यांकन के लिए जो है हम लोग का जो 19 जिलों में 66 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से मैट्रिक की कॉपियों की जाँच के लिए 35 व इंटर के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हाँ दोस्तों, परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और इसके लिए जो है आज से हम लोग का जो है कॉपी एवोल्यूशन का काम शुरू हो गया है। आज से रिजल्ट मई के अंत तक जारी करने के लिए तैयारी है। यहाँ पे मैट्रिक व इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। इसके बाद इंटर कला व वाणिज्य संकाय, मतलब यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स का जो है रिजल्ट वो हम लोग का बाद में जारी होगा। रिजल्ट 21 मई के बाद जो है जारी किया जा सकता है। मूल्यांकन को लेकर सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें से जो ब्लैक लिस्टेड शिक्षक हैं, कुछ ऐसे शिक्षक जो ब्लैक लिस्टेड हैं या फिर ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वैसे शिक्षकों का मूल्यांकन कार्य में भाग लेने को नहीं कहा गया है। उसके बाद ये भी बोला गया है कि शिक्षक कि जिस विषय में नियुक्ति हुई है उसी विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि गलती नहीं होगा, है ना, और सभी का अच्छा मार्क्स आएगा। इसे सभी मूल्यांकन केंद्र निर्देशक को सुनिश्चित करने को कहा है। थैंक यू।